गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक लड़का बिल्कुल जब वो फायर चलाने जाता है अपने स्कूल में ही तो पूरी तरह से झुलस जाता है, ठीक है। और उसका जो पूरा लोअर पार्ट रहता है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा पूरा डिवेस्टेटेड हो जाता है, मतलब तहस नहस हो जाता है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वॉन्ट टू डाई, लेकिन जो ब्रेव बॉय रहता है, बहादुर जो लड़का रहता है, वो मरना नहीं चाहता। ही मेड अप हिज माइंड डेट ही वुल सर्वाइव, उसने अपने माइंड में बना लिया था कि नहीं वो जिएगा। Somehow to the amazement of the physician, he did survive. और physician की मतलब डॉक्टर की देखने में वो जी भी गया। When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. वो जब उसने फिर से वापस से उसके डॉक्टर और मदर को बात करते हुए सुना। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body. मदर जो इसकी मदर रहती है वो यही बोलती है कि उस फायर ने, उस आग ने उसके जो निचले बॉडी का जो हिस्सा है उसको, जो मास है, फ्लैश मतलब मास, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, इससे तो अच्छा होता कि वो मर ही जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम पीपल विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, और इस तरीके से तो वो बिल्कुल अपंग हो गया है। क्रिपल का मतलब होता है अपंग, ठीक है, विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, इस तरीके से वो अपना जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसको कभी भी यूज नहीं कर सकता। Once more the brave boy made up his mind. एक बार उसने फिर अपने माइंड को बना लिया, he would not be a cripple, कि वो क्रिपल नहीं है, अपंग नहीं है। He would walk, वो चलेगा। But unfortunately from the waist down, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो वेस्ट जो रहता है, कमर रहती है, वो बिल्कुल जो पार्ट रहता है बिल्कुल नहीं चलता है। He had no motor ability. His thin legs just dangled there all but lifeless. उसके जो पतले पतले जो पैर रहते हैं वो झुलस जाते हैं वो, लेकिन उसमें कोई भी जिंदगी नहीं रहती कोई भी। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, फिर वो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, डेली हर रोज उसकी जो माँ रहती है वो उसके पैरों की मसाज करती है। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी एहसास कुछ भी नहीं होता। येट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति रहती है, डेट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, इच्छा शक्ति रहती है कि नहीं वो एक दिन चलेगा, उन पर भी विश्वास रहता है कि नहीं वो एक दिन चलेगा। ओके, थैंक यू।